पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 155 मिलीमीटर 52 केल एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, इसकी जानकारी डीआरडीओ ने दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मेड इन इंडिया एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम्स का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में DRDO द्वारा मिशन मोड में पूरी तरह से स्वदेशी टोट आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोजेक्ट है। उन्नत टोट आर्टिलरी गन सिस्टम को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और दो फर्मों भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक सच्चा उदाहरण है जो भारत में पूरी तरह से डिजाइन और विकसित विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली की ओर ले जाता है। ऐसी हथियार प्रणाली भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक है। अब तक इसके 6 से 7 परीक्षण हो चुके हैं। सबसे पहले इसे 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस परेड पर लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया था। इस सफल परीक्षण से सेना की भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा और सेना की मारक क्षमता और मजबूत होगी। इसका पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन 18 टन है। ये सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप है। इसकी नली यानी बैरल की लंबाई 8060 किलोमीटर है। ये -3 डिग्री से लेकर +75 डिग्री तक एलिवेशन ले सकता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है।